वैसे तो इस्लामाबाद में अभी भी रात को तुलाइयाँ इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन सियासी मौसम ठीक ठाक गर्म हो चुका हुआ है। विद अस राइट नाउ वी हैव द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर मुस्लिम लीग नून, शिजा फातिमा ख्वाजा साहिबा। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं जी, नो ट्रस्ट मूवमेंट, आप इमरान खान को वापस भेज रहे हैं बनीगाला? इंशाल्लाह। आर वी कॉन्फिडेंट इनफ? इस कॉन्फिडेंस की वजह बेसिकली तो जो इस मुल्क के हालात हैं, द वेरी कॉन्सेप्ट के उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा एंड वी आर होपफुल एंड वी हैव द नंबर्स इज बिकॉज जो पिछले चार सालों में एक इस पॉलिटिकल रिजीम के अंडर एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है बेसिकली जो है वो दैट वाज द वो इनर्शिया है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। एंड एक हुकूमत जो होती है उसकी लेजिटिमेसी या उसका जो मैंडेट होता है वो लोगों से होता है। एंड पिछले चार सालों में कोई भी आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देख लें, कोई इकोनॉमिक फिगर देख लें या सोशल फिगर देख लें, वो डिक्लाइन किया है, ग्रोथ डिक्लाइन की है, इन्फ्लेशन ख़ास तौर पे महंगाई जो हर घर का मसला है, फूड इन्फ्लेशन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्यूमुलेटिव देखें तो पिछले तीन चार सालों में जो है तकरीबन डबल फिगर्स में थ्रू आउट रही है, 50 इट्स ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज आया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलके एक पब्लिक रिजेंटमेंट भी है। तो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिन्होंने वापस अपने हलकों में जाना होता है और दोबारा वोट मांगना होता है, वो जो इस वक्त हुकूमती चाहे वो अराकीन हैं चाहे वो उनके इत्तेहादी हैं, आई थिंक अब उनके लिए मुश्किल होगी। अब उनके लिए मुश्किल हो गया। ठीक है, आपने इकोनॉमिक कोलैप्स की एक बात की और आपने इन्फ्लेशन की बात की, व्हाट इज़ योर टेक ऑन द राइजिंग जीडीपी विद इन पाकिस्तान, जो परसेंटेज बढ़ती जा रही है? एक दूसरा, इन्फ्लेशन के हवाले से अगर हम ये आर्गुमेंट ले लें कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यूएस में 1982 के बाद हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट अभी आया है, उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान क्या उतना महंगा है जितना हम उसको अज्यूम करते हैं होने के लिए? दो चीज़ें, पहली चीज़ आपने जीडीपी की बात की, जब हम अब इन्होंने जीडीपी की बेस रिवाइज़ की है कुछ महीने पहले, उसके मुताबिक जो 2017-18 जब हमारी लास्ट ईयर था उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ 6.1% आती है। अच्छा। जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट आफ्टर डेकेड्स एंड डेकेड्स वी अचीव दैट ग्रोथ और हमने बड़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ की थी। सो जब हम आए थे एवरी ईयर देयर वाज एन इंक्रीजिंग ग्रोथ एंड फिर हम 6.1% पे पहुँचे थे। ऑर्गेनिक ग्रोथ थी, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई थी, उसकी वजह से जो है ये ग्रोथ फिगर्स हमें नज़र आए थे। सीपैक आया, हमने उस वक्त 22 घंटे लोड शेडिंग थी 2013 में, जब हमारे वो लोड शेडिंग ख़त्म हुई उससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई, पावर में एनर्जी सेक्टर में गैस की लोड शेडिंग थी, एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए उससे गैस लोड शेडिंग खत्म, सो देयर वाज अ रिवाइवल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बने, पावर प्लांट्स बने, देयर वाज अ रिवाइवल। एंड देन सिक्योरिटी सिचुएशन हमने 5 साल में बेहतर की, सो ऑल ऑफ दैट यू नो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीजिंग FDI, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट विद इन द कंट्री। सिंस 2018 ये हो रहा है कि जो पहले साल के अंदर, आई नो दिस कि कोविड की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा GDP फॉल किया, बट मैंने खुद पूरा लाइक एनालाइज किया हुआ है एंड विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ देयर गवर्नेंस कोविड से पहले मार्च के थर्ड क्वार्टर के अगर आप फिगर्स देखें तो हमारी ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी हुई थी। Now, this is before COVID. 2019. This was all because of poor economic decisions and poor जो इनकी एक लाए थे ये एक ड्रीम टीम इकॉनमी की, it obviously failed and that's why they also had to change their minister within a few months. उसके बाद ये हुआ कि इतना लो बेस आ गया कि एनुअल थोड़ी सी भी जो ग्रोथ होती है वो लो बेस इफेक्ट की वजह से आपको हायर परसेंटेजेस नज़र आती हैं। पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ कि आपका जीडीपी जो है हम तकरीबन 315 बिलियन पे छोड़ के गए थे, वो 285 पे आ गया। तो जब आपका बेस लो होता जाता है तो आपकी जो परसेंटेज ग्रोथ है वो आप हर साल बेहतर शो करते हैं एंड दिस इज़ व्हाट दे हैव डन इन ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। सो लाइक कम्प्लीटली फ्लैटेंड आउट पाकिस्तान ग्रोथ। मैं आपको आसान अल्फाज में अगर इसकी एग्जाम्पल दूँ, अगर आपके पास एक आपने मग पकड़ा हुआ है, मैं आपको एक और मग दे दूंगी तो वो 100% इंक्रीज हो जाएगी। एक ही मग पकड़ा हुआ है मैंने तो फिलहाल। अगर मैं आपको एक और पकड़ा दूं तो इट विल बी 100% इंक्रीज। लेकिन अगर मैं आपको, आपके पास ऑलरेडी 100 मग हैं
और मैं आपको एक और मग पकड़ा दूं, इट विल बी 1% इंक्रीज. ये लो बेस इफेक्ट है. अच्छा, सो इकोनॉमी तबाह करके उसको थोड़ा सा बेहतर, जैसे ही वो इम्प्रूव करती है आप कहते हैं जी 100%. तो ये जो दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस क्रेडिट दे रही हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, द वे इट हैज बीन हैंडल्ड इन कोविड खास तौर पे, क्या हम उनको कम्प्लीटली राइट ऑफ कर देते हैं? नहीं, देखें दो चीज़ें. कोविड इटसेल्फ, आई थिंक हमने भी इन्फ्लेशन की भी बात करनी है, आपने कोई सवाल किया था. कोविड इटसेल्फ जो है उसने पाकिस्तान को एज अ कंट्री फ़ायदा पहुंचाया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. आई टेल यू व्हाई एंड हाउ. हमारा मतलब हम भी ये नहीं कह सकते कि हम अपनी गवर्नमेंट में सब कुछ 100% ठीक कर गए थे. हमारा फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज हैज ऑलवेज बीन एन इशू. ट्रेड डेफिसिट हैज ऑलवेज बीन एन इशू. कोविड आने से एक तो हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हमें अ फ्यू बिलियन डॉलर्स एड मिली, जिससे हमारा एकदम से जो है वो फॉरेक्स स्टेबलाइज हुआ. उसके बाद जो हमने IMF का प्रोग्राम लिया था, उन्होंने हमें एक साल की रिलैक्सेशन दे दी, उससे हमें फर्दर थोड़ी स्टेबलाइजेशन मिली हमारे मुल्क को. फिर ये हुआ कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो बाहर जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास फिगर था, आई एम फॉरगेटिंग इट ऑन द टिप ऑफ माई था उसमें, मगर अ फ्यू मिलियन, 100 मिलियन डॉलर्स हर साल तो लगते हैं आपके उम्रे पे. आई थिंक इट्स अराउंड, हाँ, बिलियंस में फिगर जाती है. उम्रे और हज पे हमारे लोग एक्स अमाउंट ऑफ मनी उम्रे और हज के ऊपर बाहर चला जाता है फॉरेन एक्सचेंज. उसके बाद बिकॉज द ट्रैवल वॉज नॉट हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब, तो जितनी नेसेसरी ट्रांजेक्शन थी वो बैंकिंग चैनल से होंगी. ठीक है, सो मैं जाती थी, मैं कुछ डॉलर ले गई, मेरा मियाँ ट्रैवल कर रहा है, वो कुछ हजार डॉलर वापस ले आया. सो अब जो है वो सारा बैंकिंग चैनल से हुआ, बिकॉज सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट कि हमारा उसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हुआ. वी सॉ एन इंक्रीज इन आवर फॉरेन एक्सचेंज, चीजें हमारे हक में बेहतर हुई. इसमें आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं देंगे? नहीं, आई वोंट से दैट. देखिए, हर ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक कोई भी हुकूमत सारे काम गलत करे, और ये भी नहीं हो सकता कि कोई सारे ही ठीक करे. ठीक है, सो दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. ऑब्वियसली उन्होंने भी इनिशिएटिव्स किए हैं एट देयर एंड, जिससे बेहतरी आई होगी. मगर लेकिन आपको पीटीआई की इस वक्त तक की सबसे बेस्ट इनिशिएटिव कौन सी लगती है? देखिए, अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसको वो अपने इनिशिएटिव्स कहते हैं, देव बीन देर एक्चुअली कंटिन्यूइंग इट फ्रॉम द past governments, like their health card, like their ye kamyab jawan program, BISP ko unhone ehsaas program kar diya. All of these initiatives are continuing from the past. Theek hai, aap rebrand karke usko kar rahe hain, at least you're continuing, that's a good thing. Jahan tak logon ke sehat card, jis level pe mere government ka meri usme thodi si ek farak opinion hai, aur wo ye hai ki is waqt kyunki mujhe practically logon se ye pata hai कि स्पेशली जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो ओवर इन्वॉइसिंग कर रहे हैं. बिल्कुल, तो ये चीज़ अगर हमारा हमने जब सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया था, हमारा फोकस ये था कि हम पब्लिक हॉस्पिटल्स के ऊपर इसको फोकस रखें, बट उन एरिया में जहाँ पे पब्लिक हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इजाज़त दी जाए, उन हॉस्पिटल्स को पैनल पे लाया जाए. बट लाहौर जैसे शहर में, कराची जैसे शहर में, इस्लामाबाद जैसे शहर में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जो माफिया है इस हेल्थ की फील्ड के अंदर, आई थिंक दे आर एक्सप्लॉइटिंग द कार्ड राइट नाउ, एंड दैट नीड्स टू बी कर्ब्ड एट सम पॉइंट. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप बंद कर दें उस सिचुएशन को, आप उसको इम्प्रूव करें विद टाइम, आप उसको डील करें, आप उसके लूप होल्स बंद करें जहाँ से ये लीकेजेस हो रही हैं. सो वो एक, ये तो बड़ी लंबी बातें हमारी इस तरह चलती जाएंगी. हम डायरेक्ट आते हैं जी नो ट्रस्ट मूवमेंट पे. कल रात को पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर पुलिस आ गई थी, क्यों? सो बेसिकली हमें भी खबरें हैं, एंड हमें खबरें क्या हैं, वज़ीर आज़म हमारे मुल्क के जो हैं वो डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं मेंबर्स को, अपोजिशन लीडर्स को. इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो अपनी तकारीर में कह रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ वोट देगा हम लोग डी चौक में इकट्ठे कर लेंगे. उन्होंने अपनी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले जो है एक कॉल दे दी है, पब्लिक कॉल दे दी है. क्या ये सियासी बयान नहीं है ऑफ सम सॉर्ट्स? No, your prime minister is threatening the opposition. I mean, hum, agar unke end pe siyasi bayan hai, we have to take care of ourselves at the end of the day and our members as well. So, hume ek to given their vindictiveness, jo humne pichle 3-4 saalon mein dekhi hai, we can't trust this government with our own security.
So, and before I get to my next point, let me also clarify that lodges ke andar, lodges ki building jo hai, iski sanctity is same as the parliament. So, no one can enter the premises of lodges without registering. Right? So, if they had issues with people who were coming in, that issue should have been catered for when they were registering those names and allowing those people to come in. Lodges ka ek gate in gate hai, usi se har banda aata hai, koi chupke nahi aata, koi pichla darwaza nahi hai, koi diwar nahi phalang sakta. सामने से आते हैं, रजिस्टर कराते हैं, इजाजत लेते हैं तो आते हैं. आप आए हैं, हमने आपकी गाड़ी का भी नंबर लिखवाया, आपका नाम भी लिखवाया है. तो इजाजत दी गई थी उन लोगों को पहली जगह. उसके बगैर कैसे कोई अंदर आ सकता है? Could you enter these premises? No, no one can enter these premises. So, आपने पहले इजाजत दी, हमने तो नहीं, खैर JUIF ने वॉलंटियर्स अपने मंगवाए फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर मेंबर्स बिकॉज वी वर बीइंग डायरेक्टली थ्रेटन्ड. हमारे एक्स मिनिस्टर्स यहाँ पे रहते हैं, हम सारे मेंबर्स रहते हैं, हमने वोट डाल लें. उसकी रिएक्शन ने, एंड आई वुड से ओवर रिएक्टिंग टू दैट सिचुएशन, इट कुड चले, इवन इफ दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट और एन इशू, इट कुड हैव बीन डेल्ट बेटर, राइट? ठीक है. उसके रिएक्शन में व्हाट दे डिड वाज दैट इन्होंने कंटिंजेंट्स भेज दिए, लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पुलिसमैन हु फर्स्ट कवर्ड ऑल फोर साइड्स एंड देन दे एंटर्ड द लॉजेस की बिल्डिंग्स. एंड देन in my apartment right across, like in that very corridor, the last apartment in my corridor, it was broken down, the door was broken down by the policeman and they just barged in. ab ye jo apartments hain hamare ghar hain, yahan pe hamare bacche rehte hain, hamari families rehti hain, koi female police saath nahi thi, koi warrant nahi tha, koi document nahi tha, andar aaye kuch nahi mila, koi asla nahi mila, kuch nahi mila. They broke into a house, and obviously because हम सब इतने करीब रहते हैं तो पता चला, तो हमारे बाकी members, MNA सब पहुंचे. No respect, no nothing for anyone. And उन्होंने manhandle किया है senator Kamran Murtaza को, literally physically assault किया है. उसके बाद हमारे वहाँ पे जो लोग थे उनको मारा है, साद रफीक को इंजर किया. तो while you were saying all of these things, एक नुक्ता मेरे जहन में आ रहा था. अमूमन PMLN का ही दौर था और राणा सनाउल्ला वाज द लॉ मिनिस्टर ऑफ द टाइम, शहबाज शरीफ द चीफ मिनिस्टर, और पुलिस के जोर से ही मॉडल टाउन के अंदर कुछ जोर इस्तेमाल किया गया था. देखिए, मॉडल टाउन का जो केस था, that was not a, that is no justification for anything else that would justify happen after किसी गलत चीज को तो हम दूसरी बात exactly two wrongs don't make a right. दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो उसके बाद फोरेंसिक रिपोर्ट्स थी वो सारी अदालतों में भी पेश की गई, सब अदालत गए, शहबाज शरीफ से लेके राणा सनाउल्ला से लेके, एवरीबडी वेंट टू द कोर्ट्स. ए, एवरीवन वाज डिसमिस्ड, एनी एवरीवन इन चार्ज इन दैट, इन लाहौर एट दैट टाइम वाज डिसमिस्ड स्टार्टिंग फ्रॉम राणा सनाउल्ला. सेकेंडली, एवरीबडी फेस ट्रायल कोर्ट्स एंड टिल दे वर एक्विटेड फ्रॉम कोर्ट्स दैट केस कंटिन्यूड. So I will not justify anything अगर वहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती हुई या कुछ हुआ. जो गलत है वो गलत है. मगर कल क्या हुआ, उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर को उतारा. करते ना, resign, he should have been fired. We fired our people. Before any inquiry was held, we fired our people. In the Model Town case. In the Model Town case. Everyone was fired. जिसका अभी तक नहीं उसके अंदर चल रहे हैं. I don't remember उसकी legal details क्या हैं, but I know कि कल रात की हरकत को करना चाहूंगा. Absolutely. वो दो गलत चीजें हुई थी, वो पुलिस के जोर की comparison की बात. पुलिस का जोर उधर ये था कि उधर सामने armed लोग थे. Model Town में. They shot back as well. उसके forensic reports हैं, वो legal matters हैं. I don't want to get into that case. Yeah. But come back to a hypothetical situation. Sure. कल नो कॉन्फिडेंस का वोट अनाउंस हो गया, ठीक है जी. पीटीआई के सारे अराकीन जो हैं वो बॉयकॉट कर देते हैं, आते नहीं हैं. नंबर गेम शुरू हो जाती है ऑपोजिशन की. आप मौजूद हैं जहां पे भी रिजल्ट अनाउंस होने लगा है नो वोट मूवमेंट का. रिजल्ट आपके ख्याल में किस तरह का होगा? देखिए, बॉयकॉट पहले तो जो हमारी इस हाइपोथेसिस की प्रेमिसेस हैं उसमें यह है कि सारे पीटीआई के अराकीन बॉयकॉट करेंगे.
इन आवर ओपिनियन नहीं करेंगे अनलेस दे आर फिजिकली हेल्ड बैक व्हिच विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेशन ऑफ एनीवनस राइट लेकिन दे एज अ पार्टी इफ दे डिसाइड कि हमने नहीं करना नो एज अ पार्टी नहीं ना वी हैव सम पीपल फ्रॉम देयर साइड हु आर अप्रोचिंग अस एंड दिस इज पब्लिक इंफॉर्मेशन दिस इज नथिंग हिडन हम सो इफ देयर पीपल डोंट वांट टू वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर दे डोंट वांट टू वोट फॉर द प्राइम मिनिस्टर दे कांट बी हेल्ड बैक फिजिकली एमएनएस हैं मेंबर्स हैं बाद में हाँ यू वांट टू मूव द डिफेक्शन यू मूव द डिफेक्शन की पूरी आप प्रोसेस चलाएं बट उससे पहले यू कांट रिस्ट्रेन मेंबर्स फ्रॉम कमिंग सो इन आवर ओपिनियन एंड वेरी कंसिडर्ड ओपिनियन उनके मेंबर्स हैं हमारे पास एंड दे विल गो एंड वोट एंड वी विल हैव मच मोर देन 172 अच्छा जी चलें लेट्स सी टाइम शैल टेल इंशाल्लाह एक आखिरी सवाल पूछते फिर आई रियलाइज यू वुड हैव टू लीव PMLN PPP मौलाना साहब सारे इकट्ठे हुए हैं ये जरदारी साहब के हवाले से एक सवाल है अलबत्ता आपसे जरदारी साहब में पिछले कुछ अरसे से ऐसी क्या तब्दीलियां आई हैं कि सड़क पे घसीटने से लेके 7-9 वोट मूवमेंट में इकट्ठे होया जा रहा बिल्कुल ठीक जरदारी साहब में कोई तब्दीली नहीं आई तब्दीली शहबाज साहब में आई ना शहबाज साहब में आई है अच्छा दिस ये जो एक ऑपोजिशन का इत्तेहाद है ये इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपस में बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं इट इज अ पॉलिटिकल अलायंस एंड हमारी अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजीज अपनी जगह पे हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज अपनी जगह पे हैं पर्सपेक्टिव्स अपनी जगह पे हैं दिस इज अ पॉलिटिकल अलायंस एंड सियासत के अंदर हमारे दुश्मन नहीं है सियासी मुखालिफ है और कोई पता नहीं कल इनके साथ भी मिलके हम किसी और को हटा रहे हो डिक्टेटरशिप्स आ जाए कुछ हो जाए वक्त का क्या पता होता है हमने 90s में यही सियासत की थी पीपीपी के और हमारे बीच में इसी तरह की तलखियां थी वी लर्नड वी इवॉल्वड ओवर दीज टू डेकेड्स एंड वी अंडरस्टैंड कि इस पॉलिटिकल प्रोसीजर को चलना चाहिए इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर रहे एक पॉलिटिकल अलायंस है एट द एंड ऑफ द डे दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वो वोट लेके आए हैं और जब तक वो वोट लेके आए हुए हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं और हमारी उनसे कोई ज़ाती दुश्मनी ना पहले थी ना अब है सियासी जो इख्तलाफात हैं वो रहेंगे भी मगर एट दिस पॉइंट इन टाइम वी आर अ पॉलिटिकल अलायंस एंड वी विल मूव फॉरवर्ड एक क्विक किस्म का रैपिड फायर विद अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड देन वी एंड इट इंशाल्लाह क्या इमरान खान की शादी को सियासत में घसीटना चाहिए कि नहीं क्या इमरान खान नो वोट कॉन्फ्रेंस के बाद घर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं क्या नवाज शरीफ करप्ट हैं कि नहीं अच्छा ये ट्रिक राउंड था सिर्फ इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए कि शायद जल्दी में कुछ निकल जाए लेकिन वंडरफुल थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस आई हैड अ गुड टाइम अ गुड कॉन्वर्सेशन थैंक यू एंड आई होप ऑल ऑफ देम एंजॉयड एज वेल थैंक यू फॉर हैविंग मी अ प्लेजर थैंक यू थैंक यू